नमस्कार मित्रों, मैं मनदीप शाह बड़ौदा स्त्री शक्ति हेल्थ केयर का स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे मशीन के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो अगर आपको चलने में कोई तकलीफ है, चलने जाने का समय नहीं मिल रहा है, घुटनों में या कमर में तकलीफ है, किसी को डायबिटीज़ है लेकिन चल नहीं पाते, तो उसके लिए ये सबसे उपयोगी रहेगा। उस मशीन का नाम है ऑक्सीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन मशीन, जिसमें 5 अलग अलग ट्रीटमेंट मिलती है, जिसमें एक है इंफ्रारेड, दूसरा एक्यूप्रेशर, एक मैग्नेट, वाइब्रेशन और कॉपर, ये 5 थेरेपी की ट्रीटमेंट एक साथ इसमें मिलती है। तो आइए आप देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। इसमें 2 वायर आते हैं, एक आप प्लग में लगा लो जिसे स्टार्ट होता है, इंफ्रारेड चालू हो जाएगा। दूसरा जो वायर आता है जिसमें रिमोट आता है, इसके ऊपर हम खड़े रहकर ट्रीटमेंट लेते हैं, ये रिमोट अपने हाथ में रहता है। इसमें टाइमर आता है 15 मिनट का, हमें जितना चाहिए ऐसा टाइमर सेट कर सकते हैं। बाद में ये स्विच आती है, स्विच में 2 स्पीड आती है, बीच में बंद रहता है, एक तरफ लो और एक तरफ हाई। हमें जो ट्रीटमेंट लेनी है वो हाई पे ही लेनी है। स्लो ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, डायरेक्ट जर्द में लगी उसके लिए। अब ये मशीन चालू हो गया तो ये टाइमर जो भी सेट किया है वो अपने आप नीचे आके बंद हो जाएगा। समझ लो किसी को बीच में मशीन बंद करना है, तो हो सके तो टाइमर को रिवर्स नहीं घुमाना है, सिर्फ ये स्विच बंद कर दो, ये टाइमर अपने आप समय आके नीचे होके बन जाएगा, वह बंद हो जाएगा। अभी इस पर हम जब खड़े रहकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसमें नीचे से वाइब्रेशन आता है जो घूमता हुआ स्तर तक जाता है। हम खड़े रहते हैं तो अपना बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे वर्टिकल रहता है सीधा, और ये वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टली नीचे से अपने शरीर की जो नस है उसको फोर्स करता हुआ ऊपर तक जाता है। तो शरीर में जो नस दब गई उसके लिए काम में लगता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम में लगता है, और जो एक्सेस चर्बी जाम हो गई हो उसको ये लूज करता है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि 10 मिनट आप इसकी सुबह शाम ट्रीटमेंट लेते हो तो करीब हम 5 किलोमीटर चलते हैं उनका बेनिफिट मिलता है। तो वॉकिंग से फायदे है वॉकिंग के, इसमें सबसे पहला ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर करता है तो उससे खून गाढ़ा नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। दूसरा जो इसमें बेनिफिट है कि वाइब्रेशन जिस तरह ऊपर आता है तो हमें बॉडी की जो चर्बी है उसको लूज करता है। तो ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आप रूटीन में जो भी काम करते हो उसमें पसीना ज़्यादा होगा, कैलोरी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो जब तक ओवरवेट बॉडी है तब तक वेट लॉस के लिए भी काम में लगता है, फिगर मेंटेन होती है, और एक्सेस चर्बी जब लूज होगी, कैलोरी बर्न होगी, तो अगर घर में किसी को शुगर की तकलीफ है तो उसके लिए आपको वॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायबिटीज को ये कंट्रोल में रखता है। उसके दूसरे जो फायदे है वो कोई भी नेचुरल पेन है जैसे सर में दर्द हो, माइग्रेन, सर्दी, वायु पित्त, गर्दन में तकलीफ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस, कमर की तकलीफ हो, नस दब गई हो, साइटिका की तकलीफ हो, जॉइंट्स में या आर्थराइटिस हो, वेरिकोज वेंस की तकलीफ हो, पाँव के मसल्स में पेन रहता हो, मसल्स स्टिफ हो जाते हो, पाँव की एड़ी में तकलीफ हो, या डायबिटीज की वजह से पैरों में जलन रहती हो, वो सभी के लिए काम में लगता है। इसमें अलग अलग तरीके से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, जैसे किसी को पैरों में तकलीफ है और खड़ा नहीं रहना है, ऐसे चेयर के ऊपर बैठ के भी पैर लगा सकते हैं। किसी को कमर की तकलीफ है, हिप्स का पोर्शन कम करना है, या लोअर बैक की कोई तकलीफ है, कब्जियत की तकलीफ है, तो ऊपर बैठ के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा के ट्रीटमेंट ले सकते हो। किसी को बॉडी पे डायरेक्ट यूज करना है तो हर्ट को छोड़कर, जैसे पेट कम करना हो, कमर की तकलीफ हो, ऐसे डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम खड़े रह के जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो सभी के लिए चलता है, जैसे शुगर कंट्रोलिंग, जॉइंट्स या मसल स्टिफ होते हो, कॉन्स्टिपेशन, ओवरवेट, आर्थराइटिस और नी पेन। तो इसका मेन बेनिफिट यही है, जैसे हम चलने जाते हैं तो करीब 1.5 घंटा लगता है, ट्रेडमिल वगैरह कुछ यूज करते हैं तो आधा घंटा तो उसमें वॉक करना ही पड़ता है, जो अगर पैरों में तकलीफ है या टाइम नहीं मिल पाते तो हम वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर लेते। तो ये मशीन का फायदा यही है कि 10 मिनट आप इसके ऊपर खड़े रहते हो तो चलने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और शरीर में कोई दर्द हो उसके लिए भी काम में लगता है। समझ लो आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, आप वैसे इसका यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है और ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता है, तो वायु, पित्त और कफ इनों को मेंटेन करता है। तो आज के रूटीन में ये मशीन सबसे अच्छा है, किसी को कोई तकलीफ हो या ना हो, अगर 10 मिनट इसकी ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता है, नेचुरली कोई तकलीफ हो वो हर एक के लिए काम में लगता है। थैंक यू, नमस्कार।